सोशल मीडिया पर सेलेब्स की पुरानी तस्वीरें और वीडियोज सामने आना कोई नई बात नहीं है, और अब जबकि लॉकडाउन है तो ऐसे में सेलेब्स से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो ऐश्वर्या से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है, और ये किस्सा जुड़ा है उनकी फिल्म ए दिल है मुश्किल से। बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार करण जौहर के निर्देशन में बनी ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, फवाद खान और बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे। लेकिन गॉसिप्स के गलियारों से ये खबर सामने आई है कि इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे थे जिन्हें देखकर ऐश्वर्या राय बच्चन की सासू माँ और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन उनसे नाराज हो गई थी। गौरतलब है कि फिल्म में ऐश्वर्या ने खुद से 9 साल छोटे रणबीर के साथ कुछ इंटीमेट सीन्स दिए थे, और सुनने में तो ये भी आया था कि जब जया बच्चन किसी फिल्म समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची थी तो उन्होंने बिना ऐश्वर्या का नाम लिए उन पर निशाना साधते हुए ये बात कही थी कि आजकल की फिल्मों में जरा भी शर्म नहीं बची है। रिपोर्ट्स में तो ये जानकारी भी सामने आई है कि इन सीन्स के चलते न केवल जया बच्चन बल्कि पूरा बच्चन परिवार ऐश्वर्या से नाराज हो गया था, और उन्होंने ये कोशिश भी की थी कि फिल्म से इन सीन्स को हटवाया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि बाद में ये सुनने को मिला था कि परिवार की ओर से ऐश्वर्या को बोल सीन्स करने के लिए मना कर दिया गया है। मनोरंजन जगत से जुड़ी ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।